क्या भाई आप हार गए आज का मैच भी क्या हो गया नहीं है भाई गोरस्तान कहा नहीं पहुंच सकते कोई इतना सेंस नहीं है आप आज का मैच हार गए सेमीफाइनल से अनाउंस हो गया आप कहना रास्ता निकालो कि सेमीफाइनल में पहुंचने की बात कर रहे हो ना नहीं यार वसीम भाई सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता नहीं निकालो फिर क्या कह रहे हो वो प्लेयर वापस आ रहे उन्होंने घर जाना है उसका कोई रास्ता निकालो आपके पास है कोई रास्ता शेफ भाई भी आए इस रास्ते की बात सर क्या रास्ता है की बात है ठीक कह रहा है अच्छा रास्ता ये है कि डायरेक्ट फ्लाइट से ना अच्छा चार पाँच महीने घूमो इधर अच्छा कभी जाओ आप थाईलैंड वहाँ से जाओ तुर्की उधर थोड़ा चिल किया इंडोनेशिया गए फिर उतरे ताकि गुस्सा बैठ जाए ये मेरा मैसेज भी है भाइयों से पूछ ले ये लोग भी यही कहते नहीं सर अभी करते भी जरा हम लोग नहीं सिर्फ आप करते थे चलो यह कह लो लेते हैं जरा मैं तो डंकी लगा के भी आया हूँ क्या कह रहे हैं डंकी लगा के आ गया तो भाई बहरहाल पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का ये सफर अपने अख्तिताम को पहुंच गया है खास तौर पे आज के मैच के बाद आज वो मैच था कि जिसमें भी अमलन तो नामुमकिन ही था 287 रन से हमने हराना था जिस लम्बे टॉस हुआ उसी लम्बे प्रैक्टिकली आउट हो गए वर्ल्ड कप से ही और वैसे भी मुमकिन नहीं था लेकिन काश कि कम से कम हाई नोट पे खत्म ही कर पाते ये भी ना हो सका और इंग्लैंड जैसी कमजोर टीम जो कि अपना बदतरीन वर्ल्ड कप खेल रही है उससे पाकिस्तान को 93 रन से शिकस्त हो गई आज के मैच पे इस वर्ल्ड कप पे ये क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ कौन जिम्मेदार क्या है आगे सब पे बात करेंगे पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 का सफर एक जायजा एक क्विक जायजा कर दिखा सकें सो हम जीते हैं चार टीमों से और ये चार टीमें कौन सी हैं नेदरलैंड बांग्लादेश श्रीलंका एक अच्छी टीम से मैच जीते हैं वो भी मैच पूरा नहीं हुआ पूरा होता तो भी शायद जीत जाते अल्लाह जाने मैं नहीं कह रहा लेकिन बहरहाल एक ही अच्छी टीम से जीते हैं जो कि है न्यूजीलैंड नेदरलैंड से जीते 81 रन से बांग्लादेश से 7 विकेटों से श्रीलंका से 6 विकेटों से और न्यूजीलैंड से 21 रन से बारिश के बाद पाकिस्तान ये मैच पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में मैच हारा इंडिया से 7 विकेटों से अफगानिस्तान से 8 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया से 62 रन से साउथ अफ्रीका से क्लोज मुकाबला एक विकेट से इंग्लैंड से 93 रन से ये 1975 से जब से वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है जब से पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप की जर्नी का आगाज किया है ये तारीख का पहला वर्ल्ड कप है पाकिस्तान के लिए कि जब पाकिस्तान ग्रुप मैचेस में 5 मैचेस हारा है ऐसा आज तक नहीं हुआ ये पहली मरतबा इस वर्ल्ड कप में ये हुआ है अगर हम दिखा भी सकेंगे साबका वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की शिकस्त क्या क्या रही है कि किस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कितने मैच हारे हैं सो 1983 में हम 4 मैच हारे और साथ में लिखा हुआ भी कि किस किस स्टेट में हम एग्जिट किए 92 में जब हम वर्ल्ड कप जीत गए थे 3 मैच हारे थे 99 में फाइनल में पहुंचे 4 मैच हारे थे 2003 में 3 मैच हारे और फिर आगे 7 11 15 19 के भी लिखे हुए हैं कि किस वर्ल्ड कप में कितने मैचेस हारे लेकिन बहरहाल ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान 9 में से 5 मैचेस हार गया तो यू शिकस्त के उसके नंबर्स के एतबार से ये पाकिस्तान का बदतरीन वर्ल्ड कप रहा है बासित अली साहब ऐसा भी क्या हो गया इस वर्ल्ड कप में मतलब ये क्या एशिया अभी कल की तो बात लगती है कि एशिया कप शुरू होने वाला था हम कह रहे थे फेवरेट एशिया कप के फेवरेट हमने ये तय किया हुआ था ऐसा लग रहा था कि तज्जी हो रहे थे कि यानी इंडिया से हारने के बाद भी तज्जी हो रहे थे कि अब फाइनल में इंडिया के साथ ये करना है फाइनल में इंडिया के साथ ये करना है वो जी श्रीलंका से हार गए फाइनल में ही नहीं पहुंचे और फिर एंड दिस वर्ल्ड कप ऐसा क्या हो गया मतलब इतने बुरे हालात तो कभी वसीम भाई इतना बुरा नहीं हुआ अच्छा इंग्लैंड से ऊपर ही आए ना हम लोग आप पॉजिटिव देख रहे हैं पॉजिटिव यू नो दैट लुक पॉजिटिव यू नो दैट वी आर टू गुड यू नो दैट अच्छा ये लग रहा है पता नहीं कहां से उठा के लेकर आ गए इन लोगों को मुल्क क्रिकेट तबाह कर दी है बात करते हैं हमारे प्लेयर्स की पहले वो तो देखें वो क्या कर रहे हैं जो ये नहीं बता सकते कि भाई 20 बॉलें रहती हैं 20 बॉलें खेल लो चाहे 10 रन बने वो अब वो कोचेज लगाए माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारे सीनियर प्लेयर को कुछ नहीं बोल सकते कोई लाए ऐसे बंदे जिनका नाम हो एक साहब तो यहाँ बैठे हुए हैं लाए राशिद लतीफ को लाए यूनुस खान को मिसबा बैठा हुआ है लाए जो बात बोले सुने तो कोई कोई सुनता ही नहीं है और फिर हम बनते हैं पाकिस्तानी नहीं नहीं हम तो पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल सच बोलना भी इस मुल्क में गुनाह है वो जो पेड है ना सोशल मीडिया वाले वो उल्टा सीधा लिखते हैं लिखते रहो भाई अब लिखो ना उन्हें थोड़ी वो तो सिर्फ इंग्लिश अच्छी आती है ना लिख देते हैं सोशल मीडिया पे क्रिकेट की अलिफ्बे नहीं पता कि क्या तकलीफ होती है अभी
बोला ना कि भाई 4 महीने के लिए बाहर चले जाओ। हाँ। आओ सामने आओ यार, हारे हो ना सामने आओ, सेम फ्लाइट से आओ सब, तो बात है। पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान से मत खेलो, बस इतना कहूंगा। तो मैं इसमें जाहिर है मजीद और ही बहुत सारे सवाल आते हैं। नहीं कामरान भाई, आपसे पहला सवाल ये कि जाहिर एक तवील फहरिस्त होगी कि जो जो गलत हुआ है इस वर्ल्ड कप में जिसकी वजह से यहाँ तक आए, लेकिन वहां से पूछूं कि बुनियादी वजह क्या रही या बुनियादी एक दो वजूहत क्या रही कि इतना बुरा हाल हो गया। तो सिम भाई आप देखेंगे 3-4 साल से जिस इंटेंट के साथ खेल रहे थे ना, जिस अप्रोच के साथ खेल रहे थे, वो उस अप्रोच से बाहर निकले ही नहीं है। हम लोगों ने जो तैयारी करनी थी वर्ल्ड कप की, वैसी तैयारी की नहीं, उस हिसाब से खेले नहीं है। एक तो हमारे जो हम लोग जितने बाहर टूर्स किए हैं ना पिछले 3-4 साल में, हमने कुछ जीता नहीं है, उनकी सी टीम से भी नहीं जीत सके। पाकिस्तान में आके हमें मार दे के चले गए, लेकिन इसका आइडेंटिफाई किसने करना था? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना था, चेयरमैन ने। उसके बाद फिर करना किसने था? चीफ सेलेक्टर ने। उसके बाद करना किसने था? हेड कोच ने। फिर करना था कप्तान ने। सही है। अगर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि हमने किस टाइप की क्रिकेट खेलनी है, हमने वर्ल्ड कप में किस अप्रोच के साथ जाना है, वहाँ पे टीमें तैयारी के साथ आएंगे, वो सीरीज का मैच खेलने नहीं आएंगे कि अपनी दूसरी टीम भेज देंगे, वो वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, वो तैयारी के साथ आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो इशू है, जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप डोमेस्टिकली किसी के साथ फेवर नहीं ना करेंगे अच्छी, उसको उसकी परफॉर्मेंस का फल नहीं मिलेगा, आपके एंगल्स होंगे तो उतनी देर आप कामयाबी नहीं होगा। फेवरेटिज्म होगा, फेवरेटिज्म रीजन आप देख लें, नजर भी आया, आज भी नजर आया प्लेइंग साइड में। आपने हसन अली को नहीं खिलाया, हारिस रऊफ को खिला दिया, जिसने नया बॉल पूरा वर्ल्ड कप में नहीं किया, आज नया बॉल उससे करवा, उसको खिलाना एंड तक। और ऐसी क्या मतलब, हम देख रहे हैं कि हारिस रऊफ तो हैज बीन आज वो वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर भी बन गए, 533 रन दे दिए, उससे पहले भी बहुत मार पड़ी थी, फिर भी उनको खिलाया। बिल्कुल खिलाया आप, इट वाज फेवरेटिज्म। बिल्कुल ही, मैं पिछले 3-4 साल से कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि आप इस अप्रोच के साथ कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप टॉप 5 में भी रह जाएंगे, बड़ी अचीवमेंट, आप टॉप 4 में आ गए, समझे आपने वर्ल्ड कप जीत ही कर दिया। मैंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कहा, शुएब भी गवाया, वासिफ भाई ये अजर तो बाद में आया, यूनुस भाई से पूछिएगा, मैंने कहा बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे, आपका एंगल ये होगा कि ये लड़का ना आए जो सेटल है, उनको खराब किया जाएगा अपनी जगह बचाने के लिए, टीम का सोचेंगे नहीं, ऐसा टीम नहीं खेलेंगे, परफॉर्मेंस नहीं देंगे, उतनी देर कामयाबी नहीं हो सकती। इसमें कसूरवार आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन रहे हैं पिछले 4-5 साल से, इसका कसूरवार आपके जो 6 टीमों का सिस्टम है वो है, आपका कसूरवार जिनके हाथों में क्रिकेट दी हुई वो है, वो अभी ये सारे हैं। प्लेइंग 11 में भी फेवरेटिज्म है तो वो कौन कर रहा है, वो कौन कर सकता है प्लेइंग 11 में, कौन असरअंदाज हो सकता है कि यार कारकर्दगी नहीं, फलां किसी और चीज की बुनियाद पे उसको खिलाना और उसको नहीं खिलाना। तो जारी बात है, जिनको डायरेक्टर बनाया है वो है, उसके बाद आपका कप्तान है, उसको सोचना चाहिए, उसकी प्लेयरी पे, उसकी परफॉर्मेंस को कोई बात नहीं कर रहा। सही, सही। ना यहाँ पे कोई बात कर रहा है, करेक्ट, ना करनी चाहिए क्योंकि नंबर 1 प्लेयर है। हम कप्तानी की बात कर रहे हैं, जिस अप्रोच के साथ बैटिंग की जा रही है, जिस अप्रोच के साथ बॉलिंग की जा रही है, जिस अप्रोच के साथ आप किसी को आने नहीं देते, छोटी टीमों के खिलाफ भी आप हारे हैं लेकिन आपने लड़के नहीं चेंज करने दिए। आप चाह रहे हैं आपका वाइस कप्तान है तो बाहर नहीं बैठ सकता, माजी में आपके कप्तान भी बाहर बैठे हैं, वाइस कप्तान भी बैठे हैं टीम के लिए। उनका एंगल ये नहीं होता था कि हमने इसको बचाना, दोस्ती भी बड़ी होती थी, हमारी भी बड़ी रही है, लेकिन टीम के लिए कहते हैं दोस्ती अपनी जगह, शायरी अपनी जगह। असर भाई क्या ये बुनियादी एक दो वजूहत क्या बनी इस डिबैकल की? देखिए बुनियादी वजह जो इन्होंने काफी हद तक कवर भी कर दिया, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि हम गलत जब हारते हैं ना तो रिजल्ट के ऊपर हम कमेंट करते हैं, और जो मसाइल हैं वो हमारे इससे बहुत बड़े हैं। ठीक है उसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती, बहुत लंबी डिबेट है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इस वर्ल्ड कप की अगर सिर्फ बात करें जो कि कंटिन्यू होता आ रहा था, पीछे से चलता आ रहा था, लेकिन हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। सही है, ठीक है। स्पिन बॉलिंग आपकी यू नो वर्स एनालिसिस चल रहे थे आपके थ्रू आउट द ईयर, ये नहीं हुआ कि एशिया कप में अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। अफगानिस्तान से आपने सीरीज खेली, उसके अंदर बेस्ट कंडीशन थी स्पिन बॉलिंग के लिए। सही है। उसमें अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपको वहाँ पे लाम तो आना। और अगर खाली आपने स्पिन का कहा तो खाली बताओ खराब करने। अब इस वर्ल्ड कप का विकेट्स टेकन बाय स्पिनर्स हाईएस्ट है अफगानिस्तान इंडिया और न्यूजीलैंड, ये 3 हाईएस्ट है। इनके स्पिनर्स ने लिए 27 विकेट, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश ने लिए 25, नेदरलैंड 21, इंग्लैंड 20, साउथ अफ्रीका 19, पाकिस्तान 12,
पाकिस्तान से कम श्रीलंका ये चार पांच मेरा इफ्तिखार की होंगी जिसको आप मेन लाइन मेन बॉलर नहीं समझते दस ओवर वाला जो मेन स्पिनर्स की विकेट है वो तो छह सात ही रह जाएंगी। आई थिंक ये वजह थी। फिर आपकी फास्ट बॉलिंग वो भी काम नहीं कर रही। ऑब्वियसली ये सारी चीजें होती हैं, उसके बाद कप्तानी भी ज्यादा एक्सपोज होती है। ठीक है, कप्तान ने भी मिस्टेक्स की हैं, कप्तान ने प्लेइंग 11 में भी की होंगी, उसको बिल्ड करनी चाहिए थी टीम, बैकअप बिल्ड करना चाहिए था, ये भी उसकी मिस्टेक है। लेकिन जब आप इतनी बुरी बॉलिंग करेंगे तो कोई भी वहां पे कप्तान हो वो गलतियां करेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस ही नहीं है। ऑप्शंस उसको खुद बिल्ड करने चाहिए थे विद यू नो सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलके, टीम मैनेजमेंट के साथ मिलके, लेकिन नहीं किए। सो यू थिंक प्राइमरी रिस्पांसिबल बॉलिंग अटैक है, सबसे बड़ा रिस्पांसिबल बॉलिंग अटैक है हमारा इस वर्ल्ड कप में। आप समझ लो कि बॉलिंग जितनी टीमें आप सेमीफाइनल में देख ले पहुंची, सबकी बॉलिंग देख लें, उनके पेस अटैक देखें, सिवाय ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जिसकी बॉलिंग शायद उस तरह फायर अप नहीं कर ली, लेकिन उनका स्पिनर देख लें, वो अकेला ही कमाल कर रहा है। आज भी उसने 30 रन दिए हैं, अकेले ने हमारे सारों से ज्यादा विकेट ले लिए शायद। बिल्कुल, और आप ये देखें बाकी सारों की स्पिन बॉलिंग भी देख लें और फास्ट बॉलिंग भी देख लें, आइडियली परफॉर्म कर रही है। आज मिकी आर्थर ने कहा जी हमें सो यू थिंक मेन प्रॉब्लम वाज बॉलिंग प्रिसाइजली स्पिनर्स। हां, लेकिन आज मिकी आर्थर ने बैटिंग के मुताबिक कहा जी 330-350 वाली टीम बनना है जो कंसिस्टेंटली कर सकते। अरे अल्लाह का शुक्र है, अच्छा मैंने देखिए शुक्र ये कह दिया है, मेहरबानी कहता हूं। ये पहले बताएं कैसा लगा, इतने अरसे बाद किसी ने तारीफ की है, 40 दिन किए, आज दोस्ती हुई, कल शो खत्म हो रहा। बासित भाई, अभी हमने इससे पहले पूरी सीरीज चलाई कि वो सिलेक्शन के हवाले से कौन क्या कह रहा है। सो वही बात जो मैंने ब्रेक से आने पहले की, आप क्या समझते हैं भाई, ये ठीक है कप्तान को इख्तियार देना चाहिए, ऑफ कोर्स हतमी इख्तियार ना भी हो तो एक अच्छी सेव हो उसकी, और फिर उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए कि भाई अच्छा है बुरा जो भी है, कोई भी कप्तान हो। ग्राउंड में कौन लड़ाता है टीम को, जाहिर है वो तो पावर देनी चाहिए, जान के सीधी सी बात है, सही है कोई भी कप्तान हो। मैं थोड़ा सा दो बातें करना चाहूंगा, एक तो हफीज ने जो बात बोली ना, हफीज ने बहुत सारी चीजें छुपा दी। अच्छा, हफीज उस मीटिंग में मौजूद था। किस मीटिंग में? जो क्रिकेट कमेटी में थे ना ये, ठीक है, उसमें कोचेज भी थे, कप्तान भी था, सिलेक्टर्स भी थे, और लड़कों पे डिबेट हुई थी। अच्छा, वहाँ पे हफीज ने आर्गुमेंट करे तो हफीज को बोला गया आप ये बैठ जाएं, ये हमारी टीम है। किसने बोला? बोला वहाँ पे मिकी आर्थर साहब भी मौजूद थे, उन्होंने बोला कि हम इस टीम से सेटिस्फाइड हैं। ओके, तो बोला आप किस तरह सरफराज को भाग कर सकते हैं, हफीज ने कहा जी, किस बेस पे हारिस आया है? अच्छा, उसको जो बातें सुनाई गई है उसके बाद उसने उस दिन रिजाइन करा है। ये मैंने बात पहले भी प्रोग्राम में बोली थी कि वो आप लोगों की आंखें खोलने के लिए वो जो रिजाइन था ना, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मिकी आर्थर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ठीक है, कि हम सबसे गलतियां हुई, वी आर लर्निंग। और खासकर बाबर के हवाले से सवाल, ये अगले जो है ना अभी अपना ऑस्ट्रेलिया टूर जो है उसके लिए चाहते हैं कि हमें और मौका मिले। ये मैं हाथ जोड़ लूं, अल्लाह के वास्ते मत दीजिएगा, जो भी चेयरमैन है जिसके पास भी पावर है चाहे वो वजीर आजम हो, अल्लाह के वास्ते इन्हें पावर मत दीजिएगा। अगर ये चले जाएंगे तो इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, पहली चीज। आज कल रात को क्या बात हुई, 270 रन से मैच जीतना है ना जी, 287। मिसाल दे रहा हूँ, आज आपने चार बॉलर खिलाए, किसी ने कोई बात नहीं करी कि चार बॉलर क्यों खिला रहे हो जब आउट करना है 100 से पहले, जब आपने 400 रन करने। हारिस रऊफ, शाहिनशाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर और शदाब, पांचवा बॉलर कौन था? इफ्तिखार तो 10 कराने दे, और आगा सही सलमान। तो ये अप्रोच है, मतलब ये क्या भाई, ये मिर्चे लाओ हमारी आंखों में डाल दो, अगर आपने आउट करना है 100 से पहले गो फॉर स्पेशलिस्ट, या पाकिस्तान आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, तकलीफ दे बात है। हम लोगों ने हॉकी या फुटबॉल नहीं खेली है, मरहूम अब्दुल कादिर भाई लेजेंड हमारे बोलते थे, हमने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है लेकिन इस मुल्क के लिए खेली है, मुल्क से नहीं खेला हमने। अच्छा भाई, यू डिसएग्री? नहीं, मैं तो सिर्फ इसके ऊपर करना चाह रहा था कि कप्तान के ऊपर ना, देखे बाकी टीमें भी हैं दुनिया की, सही है, उसमें तो ये नहीं होता यार कप्तान है कि बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरा ख्याल है कल इंडिया जीत जाएगा, मुझे ऐसा भाई ये मैंने बहुत अपना सोच समझ के बाद सेल्फी ले लो पैसे कमाओ। आदि भाई आपके साथ जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह, और तब तक के लिए नहीं सॉरी वो कह रहे हैं शोभन जिनसे बात करें खाली उन्हें सेल्फी बनाए, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद।